Advertisements do not only have an economic value, but they also have a social value. Advertising plays a huge role in shaping our society, the way we see, the way we think, understand, and act. Advertisements are so powerful that they leave a lasting impression on its viewers. The recent Tanishq Jewelers ad landed in a controversy, where a Muslim mother-in-law planned a Godbarai, that is a baby shower ceremony, for her Hindu daughter-in-law. The Twitter started to wildly trend, hashtag boycott Tanishq over hurt communal sentiments, all thanks to the Twitter troll army. Some even went to the length of blaming the ad for promoting love jihad. After the Twitter's massive storm, the company, under unrelenting pressure, was forced to withdraw the advertisement. This is not the first time in India where companies and brands have used the Hindu-Muslim unity and the concept of brotherhood to promote their product and promote communal harmony as well. Let me give you a few examples. Google India came up with an emotional ad which showed the reunion of two elderly men, a Hindu from India and a Muslim from Pakistan, who were separated as children during the partition of India. ये मैं ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झजरिया चुरा के खानी झजरिया और मेरा साहब नमस्ते नमस्ते मेरी पोती मुंबई वाली और बेटे क्या हाल चाल है की तंग गली फिर से कूदे फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे हेलो अस्सलाम वालेकुम फजल स्वीट्स हां जी दादा जान दिल्ली से किसी की कॉल है हेलो यूसुफ अंकल कौन जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती याद है बचपन में आप दोनों झजरिया चुरा के खाते थे बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए दादू यूसुफ जी बड़ी याद आंदी कागजों की कश्तियों में डूब रहता था झांकती खिड़कियों में उलझ रहता था अभी क्या दौर था मन पे ना जोर था एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था भैया थोड़ा जल्दी मन मोर हां जी हैप्पी बर्थडे यारा यूसुफ यूसुफ ओ तेरे पल्लू ओ यूसुफ यार कौन बनेगा करोड़पति दैट केम अप विद अ वेरी शॉर्ट एंड अ सिंपल मैसेज व्हेन द नीड अराइजेस वी आरंट अफ्रेड टू लीन ऑन ईच अदर फॉर हेल्प
and that's how it should be. चीत कराना बेटा, ये कद्दू जीतेगा। वो देख कैसे चल रहे हैं। चलता हूँ बाबा। हच। कम इन। आज नहीं। तो निकल छोटे। अंकित जी, तो क्या करना चाहेंगे आप? सर, फोन अ फ्रेंड। किससे बात करेंगे? हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है? खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वर्ल्ड वाइड देखा आपने देवियों सचना, यहाँ सिर्फ पैसे नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल केम अप विद अ सीरीज ऑफ एड्स व्हिच शोड हाउ फूड एस्पेशली टी हैज द पावर टू ब्रिज द गैप बिटवीन पीपल। चाबी नहीं मिल रही। अरे यार, मैंने चलते हुए बैग में रखी थी। बैग में डाली थी तो कहाँ चली गई? वहाँ निकल गई। ढंग से देखो ना यार। चाबी भूल गए आप जी? आइए ना, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए। अब नहीं, हम ठीक है, दिखते रहो उसको, इसको बाहर। सुनिए, मैं चाय बना रही हूँ, आइए। करो फोन ताले वाले। चाय की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके घर से। आती होगी। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो गया होगा तो चलो अंदर बैठ के इंतजार करते हैं। अम्मी, चीनी कितने लेंगे? कुछ घरों की चाय में अपनेपन का स्वाद होता है। चाय बहुत अच्छी बनी जी। एक कप चाय और मिलेगी जी। ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद अपनेपन का। अबे 40 साल के बाद मिले हैं, चल तेरे लिए चाय बनाता। अरे नहीं भाई नहीं, तू ठहरा चिकन मटन खाने वाला, तेरे घर का पानी भी पी लिया ना तो माँ नाराज हो जाएगी। अबे माँ यहाँ थोड़ी है। माँ यहीं पर है। सुन, आधा कप मैं भी। और माँ? माँ को मैं बाद में सॉरी बोल दूंगा। Surf Excel has used the Hindu-Muslim concept very aptly. An ad which was released during Holi shows a girl who braves all the watercolor filled balloons to make sure her friend is able to make it to the mosque for his namaz without a speck of color on his white kurta. Are- ए, फेंक के दिखाना। बस घर से निकलो, खेलो अरे खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मान लो ना। सब खत्म। बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। Hate mongering and hate politics is on a rise in India, but it will only cause harm to the nation in the short and the long run.
communal harmony is the need of the hour. We need to strive to create a society where we can all peacefully coexist. We should create a society which is free from violence and hatred. Love and care for fellow human beings in the society is the only way forward for peace and prosperity of the nation.